So hi friends and welcome back to my channel, myself Neeru, and you're watching Piyu Sharma's channel. So this video would be the productive study vlog. So these are the crackers which I have bought yesterday only, and this is my chocolate candy. After that, now the timing is 11:27 around, and now I'm going to complete my computer school homework according to my to-do list, as computer homework was left too much, so that's why I'm trying to complete today only. So I have to write 1 to 31 questions in computer, and I'm now in 9th question, and you can imagine about it that how I will complete, but I'm trying to complete today only, but I'm taking break in between as well. As so yesterday was Diwali, so it was very tough to me to complete my homework, and it was 31 questions. So that's why I have to also do help with my mother. मुझे अपनी मम्मी के साथ बहुत ज़्यादा help भी करवानी थी. So that's why it was very tough to me. And मैंने आपको कल के वीडियो में दिखाया भी था कि मैंने सिर्फ congruency of triangles in maths मैंने बस एक exercise लगाई थी, वो भी half, and वो भी पूरी full complete नहीं हो पाई थी. And मैंने आपको बताया था कि after Diwali सारे vlogs productive आएंगे, तो इसीलिए यहाँ पे मैं सेल्फ स्टडी नहीं कर रही थी, यहाँ पर मैं अपना कंप्यूटर का स्कूल का वर्क को कंप्लीट कर रही थी, जिससे अभी मेरे पास 2 हॉलीडेज हैं, तो उसमें मैं सेल्फ स्टडी कर पाऊँ. अदरवाइज़ मैं सारा स्कूल का ही वर्क करती रही तो सेल्फ स्टडी बिल्कुल नहीं हो पाएगी, एंड सेल्फ स्टडी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. दैट्स वाई आई एम ट्राइंग कि मैं जल्दी से अपना सारा स्कूल का वर्क कम्प्लीट कर लूँ, जिससे मैं सेल्फ स्टडी कर पाऊँ. देखो, जैसे मैं स्कूल जाती हूँ तो कभी भी फ्री पीरियड होता है तो मैं उसमें भी कर लेती हूँ. जैसे कोई मैम एब्सेंट है, सब्स्टिट्यूशन लगा है, तो मैं उस पीरियड पर अपना पूरा स्कूल का पेंडिंग एंड इनकम्प्लीट वर्क को कंप्लीट कर लेती हूँ, जिससे फिर मैं घर पे आकर सेल्फ स्टडी कर पाऊँ. देखो, एक चीज़ तो बिल्कुल सही है कि अगर आप जितनी भी ट्यूशन्स क्यों ना पढ़ो, बट सेल्फ स्टडी बहुत ही ज़्यादा वी कैन से कि इम्पॉर्टेंट होती है. एंड मैंने पूरे 31 क्वेश्चंस कर लिए जैसा आपने अभी देखा, एंड अभी मुझे प्लेन साइड में करने हैं कुछ एग्जांपल्स टाइप के क्वेश्चन, जैसे क्रिएट एन एचटीएमएल डॉक्यूमेंट और कोड जो हमारे टीचर ने हम लोग को दिए हैं, एंड वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एंड वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, 50, 40, 30 ऐसे क्वेश्चंस हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस एंड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है. ये वाले क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा लेंथी भी हैं, एंड जो मैंने क्वेश्चन आंसर्स लिखे थे 31, वो भी बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग थे और लेंथी भी थे और बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकिंग है, क्योंकि सारे क्वेश्चन में हम लोग को पूरा क्रिएट करना होता है एचटीएमएल कोड, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, तो बहुत ही ज़्यादा उसमें टाइम टेकिंग भी लगता है. एंड बट या वी हैव टू डू इट, और यहीं पर मैं कंटिन्यू कर रही थी, एंड बहुत ही ज़्यादा मैं थक गई हूँ करते करते, बिकॉज 31 क्वेश्चन मैंने लिखे थे. एंड फिर मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया, एंड उस ब्रेक में मैंने अपना लंच खाया, एंड या उसके बाद जब मैंने अपनी स्मार्ट वॉच को चलाया तो उसकी बैटरी पूरी लो हो गई थी, एंड फिर मैंने ये बिस्किट भी खाया. तो ये है हमारी शेल्फ जिसमें मैं अपनी बुक्स रखती हूँ. पहले तो मेरा बुक शेल्फ था बट वो टूट गया, तो इसलिए मैं इसमें रखती हूँ सारी बुक्स एंड नोटबुक्स अपनी स्कूल की, एंड बहुत ही ज़्यादा अच्छी भी है ये शेल्फ जिसमें मैं अच्छे से रख लेती हूँ अपनी सारी नोटबुक्स एंड बुक्स, एंड कुछ और भी स्टेशनरीज रखी हैं, जैसे पेंट है, बॉक्स है, एंड ऑल दैट भी स्टफ़ रखा है स्टेशनरी से रिलेटेड, एंड मेरा होल्डर भी रखा है जिसमें बहुत सारी ही पेंस हैं. एंड उसके बाद अब हम लोग खाएंगे लंच इस टेबल पर. सो आफ्टर लंच, उसके बाद मैंने इसको खेला, आफ्टर दैट वेदर बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो रहा था, तो ये व्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है. अगर आपको अच्छा लगा तो मुझे कमेंट्स करना, एंड व्हाट यू वांट नेक्स्ट प्लीज़ कमेंट्स दैट ऑल्सो. सो बाय गाइस एंड हैव अ नाइस डे, बाय.